नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK ऑनलाइन पॉइंट में। फ्रेंड्स, यदि आप टाइपिंग एग्जाम देने जा रहे हो डाटा एंट्री ऑपरेटर का, यदि आपका 18-19 को टाइपिंग एग्जाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपका टाइपिंग एग्जाम है तो आप इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आपका प्रैक्टिस लिंक ओपन किया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर के टाइपिंग एग्जाम के लिए, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वहाँ पर मैंने मोबाइल स्क्रीन पर वो सारी चीज़ें दिखाई थी, तो बट यहाँ पर हम आपको लाइव डेमो दिखाने जा रहे हैं कैसे आप लोग कंप्यूटर में अपने टाइपिंग करोगे और ये जो बैक स्पेस की है कैसे वर्क कर रही है आपके टाइपिंग एग्जाम में, यानी कि बैक स्पेस की तो वर्क करेगी, तो कैसे वर्क करेगी आपके टाइपिंग एग्जाम, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ में जो भी महत्वपूर्ण निर्देश बताए गए एक बार फिर से आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो पूरा आपके कंप्यूटर पर शूट किया गया है, ठीक, स्पेशल आप लोगों के लिए ये वीडियो फिर से लाया जा रहा है। तो कैसे टाइपिंग देना है सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है। तो टाइपिंग देने से पहले, यदि आप टाइपिंग देने जा रहे हो तो टाइपिंग देने से पहले आप ये वीडियो एक बार जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए आपको ले चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A to Z जानकारी आपको दी जाती है कि ये बैक स्पेस की कैसे काम करेंगे, और जो बोला गया कि स्पेशल सिंबल्स एंड फंक्शंस की इसका आप यूज मत कीजिएगा, तो क्यों बोला गया, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बेल्ट्रॉन की एक नई नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाले जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि किस सॉफ्टवेयर पे आपको टाइपिंग कराएगा बेल्ट्रॉन। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इस बेल्ट्रॉन के साइट के ऑफिशियल साइट पे चले जाना है। तो सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम में आएंगे, वो भी लैपटॉप में, मोबाइल में आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेल्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाद इसके साइट पे चले जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइट का नाम, यहाँ पे आप डायरेक्टली चले जा सकते हैं। दोस्तों, तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, ये साइट खुल करके आ गई है, और इस साइट में आप सीधे आएंगे न्यूज एंड इवेंट में आने के बाद आप यहाँ पे व्यू मोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे व्यू मोड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ बहुत सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इस नोटिफिकेशन में आपको आ जाना है 22 नवंबर 2019 में। यहाँ पे आपको दिखेगा DU एग्जाम प्रैक्टिस। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि इससे पहले आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया गया था CVT के लिए, उसी तरह से सेम एक यहाँ पे दिया गया आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपके आने के बाद यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपना ID पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इन करने पे आपको एक पेज पे ले जाएगा, तो आपका इंटरनेट चाहे जितना भी अच्छा हो उससे इसको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसका साइट बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है और बहुत ज़्यादा स्लो ही खुलेगा, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटरनेट है, ठीक है। तो उसके बाद आपका खुल जाएगा, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई हैव रीड एंड टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे करने के बाद आप यहाँ पे कुछ देर इंतजार करेंगे, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन आ जाएगा 5 मिनट का पढ़ने के लिए। तो आप वहाँ पे 5 मिनट टाइम अपना टाइम देना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन चल रहा है आपका टाइमर, तो यहाँ पे आप चलने दीजिए, और तब तक से आप ये इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द मॉक टाइपिंग टेस्ट इन 5 मिनट, यानी कि ये जो आपका डेमो टाइपिंग टेस्ट है ये 5 मिनट तक चलेगा। वहीं आपका दूसरा नंबर पे जो है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एनुअल हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट इन 10 मिनट्स, यानी कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट बेल्ट्रॉन लेगी वो आपका 10 मिनट का होगा हिंदी और इंग्लिश, ये डेमो आपका सिर्फ 5 मिनट का ही होगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि वहाँ पे बेल्ट्रॉन भी 5 मिनट का एग्जाम लेगा, तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ डेमो 5 मिनट का है, वहाँ पे आपको जो एग्जाम लेगा मिले होगा वहाँ पे आपको 10 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आपको तीसरा नंबर पर देख सकते हैं कि आपको 400 वर्ड का, यहाँ पे देखिए 400 वर्ड का हिंदी और इंग्लिश दोनों मैटर दिया जाएगा, उसी को आपको टाइप करना है दोस्तों। और वहीं पर बात करें अगर बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस की आपका काम करेगा दोस्तों, उसके मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि बैक स्पेस की कैसे काम करती है और कितना हम लोग बैक स्पेस की यूज कर सकते हैं। उसके बाद वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि फंक्शन की का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ तक मुझे दोस्तों लग रहा है कि फंक्शन की का वैसे टाइपिंग में कुछ यूज होता ही नहीं है, जैसा कि यहाँ पे लिख दिया गया है। जैसे एक्चुअली फंक्शन की होता है F2, F3, F4, F5, जो हमें 1, 2, 3 जो न्यूमेरिक की होती है ऊपर वाली, W की अपर रो के ऊपर वाली, तो उसे कहते हैं न्यूमेरिक, और उसके ऊपर जो होती है उसे कहते हैं फंक्शन की। तो यहाँ पे फंक्शन की को क्यों मेंशन किया गया है मुझे पता नहीं है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हो गया 4 नंबर में, डू नॉट यूज फंक्शन की। तो दोस्तों, फंक्शन की का तो हमें टाइपिंग में यूज नहीं होती, हमें न्यूमेरिक की का भले यूज होता है 1 से लेकर 0 तक है, उसमें हमें कुछ शब्द मिल जाते हैं। तो हो सकता है उस चीज को यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि उसे हम लोग यूज नहीं करें, जैसे कि शिफ्ट के साथ 9 दबाने पर त्र आता है, तो त्र को हमें इसका यूज करके नहीं लेना है, और हमें सिर्फ बनाना है त लिख करके, हलंत लिख करके, र लिख करके, त्र ऐसे बनाना है, ठीक है दोस्तों। वहीं बात करें स्पेशल कैरेक्टर की, तो अब यही स्पेशल कैरेक्टर अगर आपको मैटर में दिया जाए तो आपको उसको टाइप करने की जरूरत नहीं है, अगर बाय मिस्टेक आता है तो आप उसे टाइप भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करती है, ठीक है। वैसे आपको नहीं टाइपिंग करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डू नॉट टाइप एनी स्पेशल कैरेक्टर स्लैश सिंबल,
यहाँ पे देख सकते हैं सीधा, ठीक है दोस्तों। तो वो चीजें हो गई, अब बात करते हैं पांचवें नंबर की। तो पांचवें नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे बैक स्पेस की यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है ओनली यूज बैक स्पेस की टू फिक्स दैट वर्ड बिटवीन लाइन, यानी कि आपका कोई भी लाइन में गलती अगर हो जाती है तो बैक स्पेस की के जरिए आप उसे यूज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए सेकेंड या फिर थर्ड लाइन में आपका गलती होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन बैक टू द प्रीव्यू टाइप इट लाइन यूजिंग एरो की, यानी कि आप एरो की से अप डाउन लाइन में भी जाकर के अपनी गलती को मिस्टेक कुछ सुधार सकते हैं। वहीं मॉक टाइपिंग टेस्ट विल बी कंप्लीट ऑटोमेटिक आफ्टर 5 मिनट्स दोस्तों, यानी कि आपका ये जो मॉक टाइपिंग टेस्ट है आपका 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, जो कि आपको साइट पे डेमो दिख गया है। तो ये 5 मिनट में ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और उसके बाद 5वें मिनट के बाद आपका हिंदी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको बता दें दोस्तों इंग्लिश तो आप बहुत ही आसानी से टाइपिंग कर पाएंगे इसके डेमो में, वहीं अगर आप हिंदी टाइपिंग करने जाएंगे तो आपको हिंदी टाइपिंग में दिक्कत होगी। अगर आप हिंदी टाइपिंग के लिए यहाँ पे मंगल फॉन्ट लगा करके रखें तो आपको यहाँ पे हिंदी क्लिक कर लेना, उसके बाद हिंदी हो जाएगा, रेमिंगटन गेट सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको टाइपिंग करना है दोस्तों। और ध्यान रहे इंग्लिश करें तो इसको इंग्लिश कर लेंगे उसके बाद ही करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप हिंदी करके भी मंगल फॉन्ट वहाँ पे टाइपिंग करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इसे साइट अच्छे से काम नहीं कर रही है और वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको जो सॉफ्टवेयर दिया गया है जेआर टाइपिंग ट्यूटर या फिर आप जो भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का आप वहाँ से इस्तेमाल कीजिए और उसमें प्रैक्टिस कीजिए। बस इसे आप एक डेमो की तरह से देख सकते हैं कि हमें बेल्ट्रॉन का जो एग्जाम देने जाना है टाइपिंग टेस्ट का तो वहाँ पे कैसे लिया जाएगा। तो चलिए इस डेमो में हम आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 1 मिनट का टाइम ले रहा है इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए, तो अब मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करता हूँ ताकि आपका समय बचे, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे अब मेरा कुछ ही सेकंड बचा हुआ है, इस सेकंड को खत्म होते ही मेरा इंग्लिश का टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा और मैं इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट कर दूंगा और उसके 5 मिनट के बाद ही दोस्तों हिंदी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका वेट करते हैं टाइपिंग स्टार्ट होने का और इसे वीडियो को देखते रहिए कि कैसे हमें प्रैक्टिस करना है और कैसे हमें बेल्ट्रॉन के टाइपिंग का देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा इंग्लिश का स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे मेरा टाइमिंग भी स्टार्ट हो चुका है 5 मिनट का। तो चलिए अब मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यू गलत कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने जानबूझ के गलत किया, तो यहाँ पे यू मेरा इरोड दिखा रहा है और यहाँ पे मैं अब बैक स्पेस की बहुत ही आसानी से पूरे वर्ड को मिटा करके अब यहाँ से मैं फिर से लिख दूंगा, तो ये देखिए सही हो गया। यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप बहुत ही आसानी से किसी भी वर्ड को सही कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसानी से यूज हो रहा है, देखिए फिर से मैं आ गया बैक। देखिए यहाँ पे मैं फिर से बैक लिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप एरो की से अप डाउन जा सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। देख सकते हैं यहाँ पे एरो की से आप यहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे देखिए आपका वर्ड यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको कर लेता हूँ। जैसा कि देख सकते हो दोस्तों मेरा इंग्लिश खत्म हो चुका और अब मैं आ रहा है यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे ही अगर कुछ मैं टाइप करूंगा तो देख सकते हैं ये इंग्लिश में टाइप हो रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आप सिंपली अगर आप गूगल इंडिक 3 रखे हैं तो यहाँ पे आप सिंपली उसे हिंदी कीजिए और यहाँ पे अब आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इरर आपको दिखा रहा है, हो नहीं रहा है, तो दोस्तों इसके लिए टेंशन की कोई बात नहीं है, ये कुछ देर में देखिएगा डायरेक्ट यहाँ पे भाग जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट लेकर के चला आया क्योंकि हमें आउटपुट ये अच्छे से नहीं दे पा रहा, यानी कि साइट बहुत स्लो है दोस्तों, इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो आप यहाँ से बस एक डेमो देख सकते हैं कि कैसे हमें टाइप करना है, ठीक है दोस्तों। और बाकी बात आपको जो सॉफ्टवेयर दिया गया है आप उस पर करिए, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया उस नंबर पर कॉल करके आप सॉफ्टवेयर लीजिए, बाय कीजिए और वहाँ पर आप इस सॉफ्टवेयर को खरीद करके बहुत ही आसानी से इसे इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ ये ले ही नहीं रहा है क्योंकि इसका थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो अगर पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों अपने बेल्ट्रॉन के कैंडिडेट फ्रेंड्स को इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको टाइपिंग के लिए मदद मिल सके कि टाइपिंग कैसे करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।